मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में देसी शराब हटाने के लिए महिलाओं ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार अनिता पटेल को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र कलाली हटवाने का निवेदन भी किया। महिलाओं ने कहा है कि खुरई पठारी मुख्य मार्ग पर कलाली स्थित है, हमारे मकान वहीं से लगे हुए हैं, जिस कारण आए दिन गाली गलौज लड़ाई झगड़ा होते हैं और वहीं से क्षेत्र की छात्र छात्राएं कन्या माध्यमिक शाला जाती हैं, जिसका असर बच्चों पर और परिवार पर पड़ता है। इसके पहले भी विदिशा जाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। ज्ञापन सौंपे जाने के बाद तहसीलदार अनिता पटेल ने सभी महिलाओं को आश्वासन दिया है कि मैं इस विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों को मेरी रिपोर्ट के साथ कलारी हटाने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगी। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। के पास आप दरखास्त दे आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, दो बार फिर आए कलेक्टर जी के पास और इसके बाद में हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, कोई हम मजदूरी को नहीं जा पाते, सब सब रात गाली बकते हैं, कलाड़ी वाले डैग बजाते हैं बीच कलाड़ी में, है हमारे घर लेटरिंग नहीं है, हम लोग सब लेटरिंग बाहर जाते हैं, सारा पी पी का गदर करते हैं, रात रात डीजे बजाते हैं, सॉन्ग बजाते हैं और जाते हैं तो कलाड़ी टोल के थाने में आ जाते हैं कि जिनने लूट मार कर ली, आठ दस लड़के जुआ खेलते हैं कलाड़ी पे, ना कोई सुनवाई हो रही थाने में, ना कोई कहीं सुनवाई हो रही हम लोगों को। आप लोग क्या चाह रहे हैं उसमें? हम लोग कलारी दूर होना चाहिए, कलारी बस्ती से दूर होना चाहिए, हमारी मांग है पूरी करो। हाँ, आज महिलाएं आई थी शराब की दुकान जो कुरई रोड पर स्थित है उसको बस्ती से बाहर करवाने के लिए। उनका कहना है कि वहाँ शराब की दुकान में से महिलाओं को आने जाने में दिक्कत होती है, दूसरे बच्चे भी हैं उनका भी वहीं से रास्ता है शासकीय कन्या माध्यमिक शाला का, तो वहाँ से जब बच्चे निकलते तो उनको भी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसके वहाँ से जल्द से जल्द शराब की दुकान हटाई जाए। इसके संबंध में आप क्या कर रहे हैं कार्रवाई? मैं इसके संदर्भ में जो अभी मुझे ज्ञापन दिया है वो मैं वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट के साथ प्रेषित करूँगी, जो भी कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।